पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार में महागठबंधन की सरकार अब लगभग टूट चुकी है, क्योंकि बिहार में खेला नीतीश कुमार ने एनडीए गठबंधन के साथ कर दिया है। एनडीए के साथ नीतीश कुमार की सरकार लगभग बननी तय मानी है, क्योंकि कल शपथ ग्रहण है। कल नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार के 9वीं बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। और इधर भारतीय जनता पार्टी भी तैयारी कर रही है। आज कोर कमेटी की बैठक, जो विनोद तावड़े, जो बिहार बीजेपी के प्रभारी भी हैं, उनके नेतृत्व में पटना के एक निजी होटल में बैठक संपन्न की गई, जिसमें कई बिहार बीजेपी के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा वहां पर लगा रहा। तोड़ जोड़ की राजनीति बिहार में पिछले 72 घंटे से माफ कीजिएगा, चल रहा है। राजद को जब ये शक हो गया कि नीतीश कुमार अब इस गठबंधन में नहीं रहेंगे, तब से लालू प्रसाद यादव तोड़जोड़ की राजनीति करने में लगे हुए हैं। और लालू प्रसाद यादव तोड़जोड़ के राजनीति के काफ़ी माहिर खिलाड़ी भी माने जाते हैं। और बार बार हमारे संपादक भी कहते हैं कि जब जेल से बैठ के लालू प्रसाद यादव खेल कर सकते हैं बिहार में, तो ये छोटी बात नहीं है कि लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार को बड़ा झटका दे दे। यानी कि कई विधायकों को वो बार बार पटना बुलाते हैं, अपने आवास पर बुलाते हैं। इतना ही नहीं, जीतन राम मांझी को भी उन्होंने बड़ा ऑफर दिया था, प्रलोभन पे प्रलोभन जीतन राम मांझी को दिया जा रहा था। पहले उनके बेटे संतोष सुमन को डिप्टी सीएम बनाने की चर्चा, उसके बाद से जीतन राम मांझी को ही मुख्यमंत्री बनाए जाने की चर्चा चल रही थी। इन तमाम चर्चाओं के बीच में आपने देखा कि सम्राट चौधरी भी पहुंच गए थे जीतन राम मांझी के आवास पर, और मान मनोबल का जो दौर था वो शुरू हो गया था। लेकिन जो दावा लगातार किया जा रहा है कि जदयू के संपर्क में कई कांग्रेस के विधायक भी हैं, तो इधर राष्ट्रीय जनता दल और उसके सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी बड़ा दावा कर दिया कि जदयू के कई विधायक हमारे संपर्क में आ गए हैं। दरअसल तोड़जोड़ की राजनीति करने के लिए लालू प्रसाद यादव ने अपने विधायकों को, मंत्रियों को अपने आवास पर तेजस्वी यादव ने बुलाया था, और वहां से रणनीति बना रही थी राष्ट्रीय जनता दल। मंथन चल रहा था कि किस तरीके से बिहार में महागठबंधन की सरकार में रहते हुए फिर से एक बार राजद की सरकार बनाई जाए। देखिए, लालू प्रसाद यादव ने बड़ा बयान दे दिया है, जदयू के 10 विधायक कहीं ना कहीं उनके संपर्क में हैं। दरअसल लालू प्रसाद यादव सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, और उनके कई ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट हैं जो उनके बयानों को लगातार, उनके मन की बातों को लिखते रहता है। लालू प्रसाद यादव का एक ट्विटर एक बार फिर से वायरल हो गया है। दरअसल आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव पैरोडी नाम से एक ट्विटर है, जिस ट्विटर को वेरीफाइड भी किया गया है। इस ट्विटर के माध्यम से एक टीवी चैनल के दिए गए इंटरव्यू, टीवी चैनल के दिए गए जो प्रेडिक्शन है उसको शेयर करते हुए लिखा गया कि बिग ब्रेकिंग, जदयू के 10 विधायक हमारे संपर्क में, खेल अभी बाकी है, बिहार तो बस झांकी है। यानी कि लालू प्रसाद यादव, इतना ही नहीं, देखिए लालू प्रसाद यादव का पैरोडी जो ट्विटर है वो ये भी लिखता है कि हजरात हजरात हजरात, ऑपरेशन लालटेन की शुरुआत हो चुकी है, जदयू के दर्जनों विधायक जहां अनरीचेबल है, वहीं भाजपा के भी 20 विधायक संपर्क में हैं। यानी कि लालू प्रसाद यादव एक के बाद एक लगातार वो ट्वीट पे ट्वीट, जो उनका पैरोडी चैनल है वो कर रहा है। और इतना ही नहीं, नीतीश के घुटने टेकने पर भी लालू प्रसाद यादव ने बड़ा बयान दिया, अब की बार 400 के पार, फिर नीतीशवे के घुटने क्यों टेके यार, कहते हो कि जन समर्थन अपार, फिर खरीदो परोक्ता करो दरकार। देखिए, लालू प्रसाद यादव का ये पैरोडी यूट्यूब, माफ़ कीजिएगा, ट्विटर चैनल है, और इससे लगातार एक के बाद एक ट्वीट हो रहे हैं बिहार के राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर के। यानी कि कहीं ना कहीं अगर ये वेरीफाइड है तो इतना मान के चलिए कि राजद हेडक्वार्टर से ये ट्वीट जो है वो किया जा रहा है। भले ही लालू प्रसाद यादव ये ट्वीट ना करें, लेकिन उनके चाहने वाले, उनके जो समर्थक हैं, वो लगातार ट्वीट पे ट्वीट कर रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। वो ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाए। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।